पाप का तांडव फिर से उठा, जख्मी है मानवता, मर रही है इंसानियत, सोच में है विधाता, देखना है पापियों के सर्वनाश के लिए अब और कौन है आता। नहीं है रानी, नहीं है राजा, नहीं है रानी, है ये अजब कहानी जी। जब जब पाप बढ़ेगा सुन लो आएगा एक जूनियर जी। जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर जी। बादल है पर ये गरजे तो काफे पापी, रक्षक का अवतार बन के आ गया है जूनियर जी। जूनियर जी, 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 जूनियर जी। तुम्हें मेरी तलाश है ना, मैं तुम्हारे सामने हूँ। थोड़ी ही देर में तुम खड़े नहीं रह पाओगे जूनियर जी, लेट जाओगे और तुम्हारा राम राम सत्य हो जाएगा। बातों से वक्त बर्बाद करो, मार डालो इन्हें। यस, किल हिम। अच्छा, यही वक्त है, अपनी पूरी ताकत के साथ टूट पड़ो इन पर। अभी लो फिवांचो। ये लो वो घड़ी और मुकाबला करो इन शैतानों का। छोटी सी कामयाबी पर खुश मत हो जूनियर जी, खामोश नहीं बैठेगा फिमांचू, खामोश नहीं बैठेगा। और अब आगे। चले गए हैं। अबे गधे, क्या तुम्हें ये नहीं पता कि ग्रेट रोमांचो की मौत उनके अपने हाथों में है, वो जब तक चाहे जिंदा रह सकते हैं। पर मैंने सुना है कि जूनियर जी का बच्चा, वो जूनियर जी का बच्चा ग्रेट रोमांचो का बाल भी बाका नहीं कर सकता। तो फिर तुम रो क्यों रही थी? ग्रेट रोमांचो ने संन्यास ले लिया है, जब से उस परछाइयों के बादशाह की हार हुई है, ग्रेट रोमांचो ने संन्यास ले लिया और वो जंगल में चले गए तपस्या करने। अच्छा, तब तो हमें चैन आ जाएगा। क्या? मेरा मतलब है कि ग्रेट रोमांचो को थोड़ा आराम आ जाएगा ना? लेकिन मेरा क्या होगा? ग्रेट रोमांचो मुझे भी तो साथ लेके जा सकते थे। ये सब उस जूनियर जी के बच्चे की वजह से हुआ है। ग्रेट रोमांचो की सारी परेशानियों की जड़ वो जूनियर जी ही है,
मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। उसे मारकर उसका सिर ग्रेट ह्यूमांचो के कदमों में लाकर रख दूंगी। जूनियर जी, मैं आ रही हूं। प्रोफेसर गौरव, डॉक्टर एंथोनी का कहना है कि यह उनकी आखिरी कोशिश है। अगर इस बार केएलआर ठीक नहीं हुआ तो वो भी कुछ नहीं कर सकते हैं। प्रोफेसर ऐसा मत कहिए, मुझे डॉक्टर एंथोनी पर पूरा भरोसा है। इन पर भरोसा करने के बजाय तुम भगवान से प्रार्थना करोगे तो बेटर होगा। गौरव, भगवान जरूर ठीक कर देंगे उसे। यस डॉक्टर, रेडी? यस डॉक्टर। करंट दीजिए। ओके डॉक्टर। केएलआर, उठो, उठो केएलआर। हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू? केएलआर, तुम ठीक हो गए? डॉक्टर एंथोनी, थैंक यू वेरी मच। आपके इस एहसान को मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। गुड बाय डॉक्टर। केएलआर, मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि तुम्हें देखकर मुझे मुझे कितनी खुशी हो रही है। खुशी तो मुझे भी बहुत है गौरव, लेकिन यह खुशी ज्यादा देर तक ठहरने वाली नहीं है। क्यों? मुझे जाना होगा गौरव, मुझे अपने समय में अपनी दुनिया में जाना होगा। केएलआर, तुम हमारे साथ रहो ना, हमारे दोस्त बनकर। नहीं गौरव, मैं ज्यादा देर तक तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मेरे प्रोग्रामिंग ठीक होते ही मुझे जाना होगा। तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो गौरव, मेरा बस चलता तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहता, पर कोई बात नहीं, जब तक तुम्हारी प्रोग्रामिंग ठीक नहीं होती है तब तक ही सही, हम साथ रहेंगे। गौरव, तुम उदास मत हो, तुम्हारी उदासी मुझे अच्छी नहीं लगती। कम ऑन, चले। चलो। केएलआर,
तुम वहां आउट हाउस में रहोगे। ठीक है गौरव। और सुनो, इसी कमरे में रहना, जब तक मैं ना कहूं बाहर मत निकलना। क्यों गौरव? लोग तुम्हें देखेंगे तो बेकार परेशान करेंगे। ठीक है, चले चलो। केला, तुम यहीं रहना, सुबह तुमसे मिलने आऊंगा मैं। गुड नाइट। गुड नाइट गौरव। हाय गौरव। हाय गौरव, तुमने इतने अर्जेंटली हमें क्यों बुलाया? के एल आर ठीक हो गया है। यस! अरे वाह, अच्छा हो गया। लेकिन वो है कहाँ? मेरे पास है, मैंने उसे अपने आउट हाउस में छिपा कर रखा है। तो चलना उसे मिलते, चल। नहीं नहीं, अभी नहीं, बाद में। मेरे घर में किसी को नहीं पता कि के एल आर यहाँ पर है, और मैं चाहता भी नहीं हूँ कि किसी को पता चले। पर क्या वो आउट हाउस में सेफ है? बिल्कुल है, क्योंकि वहाँ कोई आता जाता नहीं है। मतलब अब वो हमारे साथ रहेगा ना? हाँ, वो हमारा कितना अच्छा दोस्त बन गया ना। नहीं जीना, उसकी प्रोग्रामिंग ठीक हो जाने के बाद वो चला जाएगा। ओह नो! कितना अच्छा होता अगर वो हमारे साथ रहता। गौरव, हम उसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हमारे साथ ही रहे। मैं भी ये चाहता हूँ, लेकिन लेकिन हमारे पास में कुछ भी नहीं है। खैर ये बात छोड़ो, लेकिन ध्यान रखना, ये बात तुम सब किसी को बताना मत, और मोटे खास तौर पर तू याद रखना, ठीक है? हाँ ओके। ठीक है गौरव, चलो अब स्कूल में मिलते हैं। ओके बाय। बाय। हाय राहुल। अबे मोटे, तेरे को किसने हाय बोला? तम्मी से बात करा, मोटा किसको बोल रहा है? मोटे को मोटा नहीं बोलूंगा तो और क्या बोलूंगा। अभी तेज फिर से। ए मोंटी, चल छोड़ना यार, लोग जाते हैं। चल चल। क्यों बे मोटे, है डर गया क्या? क्यों लिंडा जी, आप ये पेंडुलम की तरफ इधर से उधर क्यों घूम रही हैं? मैं कुछ सोच रही हूँ। अरे भाई, हमें भी बताइए कि आप क्या सोच रही हैं, ताकि हम भी कुछ सोच सकें।
ये कंप्यूटर मानव अभी तक जूनियर जी के साथ है। वो तो गद्दार है। वो गद्दार नहीं है, उसे गद्दार बना दिया गया है। कंप्यूटर मानव उसमें सेट किए गए प्रोग्रामिंग के हिसाब से चलता है, लेकिन उस जूनियर जी ने उसकी प्रोग्रामिंग को चेंज करके उसे अपने साथ कर लिया है। करेक्ट। अब अगर हम उसे हासिल करके उसकी प्रोग्रामिंग चेंज कर दे तो वो फिर से हमारे इशारों पर नाचने लगेगा। क्या दिमाग पाया है लिंडा देवी जी। वाह वाह वाह। चमचे, ये वाह वाह करने की बजाय उसे ढूंढने की तैयारी करो, समझे? चाची जी नमस्ते, मैं भूत नहीं केएलआर हूँ। यू केएलआर कहाँ चला गया था तू? हाँ, काम चोर कहीं का, काम में मन नहीं लगता तुम्हारा, और बेशर्मी देखो कि फिर से वापस आ गया। चाची जी वो क्या वो? हाँ, अरे यहाँ रहना है तो काम करना पड़ेगा, ये काम चोरी नहीं चलेगी तुम्हारी, मुफ्त की रोटियाँ नहीं तोड़ने दूंगी तुझको मैं। चाची जी मैं रोटी नहीं खाता। बक बक मत किया कर मेरे सामने। चाची जी शट अप, बोलो ना शट अप करो। अच्छा हुआ तो मिल गया, हाउस में देख कितना काम पड़ा है, चला मेरे साथ, आजा फटाफट। अब ये चाची जी मुझसे पता नहीं क्या क्या करवाएगी, क्या करूं गौरव भी नहीं है। खड़ा सोच क्या रहा है, आजा जल्दी, कम कम फास्ट। भलाई इसी में है केएलआर, चुपचाप खिसक लो यहाँ से, शाम को जब गौरव आएगा तब उससे बात कर लेना, समझ गए? कहाँ चला गया ये? किधर गया? केएलआर, केएलआर, किधर चला गया? लगता है ये कामचोर फिर भाग गया। भाई साहब, ओ भाई साहब किधर से है? ये जोकर लगता है, जोकर। क्या कहूँ? ओ भाई साहब, ओ भाई साहब किधर जाए? ओ भाई साहब, ओ भाई साहब। अरे भाई ये अजीब सा प्राणी है कौन? मुझे तो कोई मशीनी मानव लगता है, दूसरे ग्रहों का वासी। अरे कहीं चलता फिरता मानव बम नहीं है, फट जाएगा। क्या बात कर रहा है? हो सकता भाई, पूछ। तू पूछ लेना, वो बड़ा भाई है ना, पूछ यार पूछ। अरे भाई साहब आप कौन हो और कहाँ से आए हो? अरे चलो सनी, चलो जल्दी करो, इसे कवर करो। इस मशीनी मानव को सबसे पहले मॉडल टाउन एरिया में देखा गया है। कौन है ये, कहां से आया है, कुछ नहीं पता। हेलो, हाउ आर यू? आई एम फाइन थैंक यू। व्हाट्स योर नेम? केएलआर। कहां से आए हैं आप? समय, टाइम। दर्शकों, टाइम, समय नाम की जगह से आए हैं।
इस मशीनी मानव को सबसे पहले हमने आपको दिखाया है। मैं शालिनी कुमार, ताजा खबर, डीडी। सर्वनाश तबाही का सपना देखने वाला मैं डॉक्टर चोपड़ा तुम्हें पाना चाहता हूं केलार। मुझे शैली डीना मॉन्टी से बात करनी चाहिए। पता नहीं अब कौन कौन सी मुसीबतें आने की तैयारी कर रही हो। जब भी किसी दूसरे ग्रह का मानव धरती पर आया है कोई ना कोई नई मुसीबत पैदा हुई है। चाची जी, हाँ आप क्या कर रही है? गौरव, यू नॉट नो, ये आदमी कितना खतरनाक है। हमें पुलिस को बता देना चाहिए इसके बारे में। अब ना होगा जुल्म, ना होगे जुल्म के पहरेदार, अन्याय को जो काटेगी है ये वो तलवार। बन के सुदर्शन आया है, अब भर गई जुर्म की गागर जी, थम गई पाप की आंधी, देखो दुश्मन भागा डर कर जी। यूनियन जी, यूनियन जी, यूनियन जी।